सो व्हाट इज एवरीवन, दिस इज सुमेध एंड यू आर वाचिंग सुमेध का व्लॉग। तो गाइस क्या हाल चाल है सबका? तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया था। तो आज देखो सुबह से हमने क्या क्या किया। तो गाइस इतने महीनों बाद हम जिम को जा रहे हैं, हम तीन दोस्त मिलके। एंड इट्स लाइक अभी 6:15 हुए, अभी मैं चाय पीऊंगा मस्त पेगी एंड उसके बाद जिम को जाऊंगा। तो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हमने इतने दिन से प्लानिंग करी थी कि सब हो रहा था कि मंडे में जाएंगे, अगले दिन जाएंगे, मतलब हो रहा ही नहीं था। तो आज सीरियसली मैंने तीन लोग को फोन लगाया, तीनों बोले जाएंगे, मतलब एट द टाइम आज फाइनल हो गया कि आज हम जिम को जाएंगे। तो बहुत मजा आने वाली है, मुझे तो बहुत अभी अच्छी फीलिंग आ रही है, स्माइल वाली। देखो मेरा मुंडा, देख सकते हो आप कितना खुशी से खिल उठा है, और मैं अभी उठा हूँ जस्ट, तो चाय पीता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ और जाते हैं जिम को। तो बिग क्वेश्चन ये है कि दर्शन उठा है कि नहीं, देखते हुए जाके क्या हुआ है। और मैं ट्राईपॉड नहीं लेके जा रहा क्योंकि फर्स्ट डे पे ऐसे ब्लॉग करूँ जिम में जाके। तो फर्स्ट डे ऑफ जिम पूरा हो चुका है, आई गया, हाथ भी ऐसे नहीं रह रहा, तो अच्छा लगा, फ्रेश लग रहा है। तो घर पे आते हैं, रेडी होते हैं, फिर बाहर जाना है, देखते हैं आज क्या क्या होगा। बट हमने हमारा गोल कंप्लीट करने को चालू किया है, जो कि किससे तो पहले है। तो अभी जिम से घर पे आया और यहाँ पे एक चिड़िया फंस चुकी थी घर के अंदर, कैसे आई थी पता नहीं, मतलब घूम के आई होगी। और ये बंद था ना, तो फिर यहाँ पे बहुत चिल्ला रही थी चू 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 चू। तो अभी खोल दिया, देखो वहाँ पे बैठी है, तो दिखा दो आप, वो देखो गाइस वहाँ पे चिड़िया बैठी है वो। अरे क्या हो गया, हाँ तो ये तीन चार चिड़िया यहाँ पे लगा कर रही थी कि इसको छोड़ो छोड़ो, तो ये बाहर है, ऐसे खुश हो गए। देखा आज़ादी पे सब खुश होते हैं, देखो इनके सब फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं इनको मिलने। तो अभी गाइस दो काम है, एक तो एक BSNL का ऑफिस जाना है, फ़ोन देना है क्योंकि वो फ़ोन बंद है। तो भी यार वो लोग 1000 रुपीज़ का ऊपर नीचे थोड़ा बिल मारते हैं हर महीने का। प्रॉब्लम 1000 रुपीज़ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम बिना यूज़ किए भी वो बिल दे रहे हैं। ठीक है वो कोई बात नहीं है, उसके बाद हेयर कट करने का है, तो 12 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है, तो देखते हैं होपफुली क्या होता है आज के दिन में। और आज बहुत सारा काम भी है, पढ़ाई भी करनी है यार, M2 का पेपर पास में आ रहा है, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ उस दिन, बस थोड़ा बहुत पेपर देख लिया था और उसके बाद सर बूम बल। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। तो वैसे भी हम बाल काटने जा रहे हैं, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा नहीं मैं बाल काटने जा रहा हूँ, तो अभी ठीक है। इतना चल के यहाँ पे आते हैं और हमारी मम्मी ने फॉर्म कुछ और ही लिखा है, सिग्नेचर तो हम उधर मार नहीं सकते उनके सामने, मतलब पोपट हो गया ना, टाइम गया मेरा, टाइम टाइम की एक वैल्यू है वो लोगों को पता नहीं है। तो अभी पहुँच चुके हैं बट थोड़ा लेट हो गया, 12 बजे का अपॉइंटमेंट थी, 12:15 हो गए, वो भी BSNL के लोग क्या सरकारी काम, बहुत इरिटेट हो गया मैं। हमारा डेली व्लॉग चल रहा है अभी, रोज जो हो रहा है वो डाल रहे हैं, मतलब डायरेक्ट। एप्पल सीडर विनेगर का कमाल है।
प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग, हम लोग पहले चला कर अभी मीठा लगा रहा है। वो सीधा डर लगा मुझे, पता है मुझे लगा इधर से कोई ऐसा उड़ा दोगे सीधा। तो बाल शॉर्ट कर लिया बहुत ज्यादा, बढ़ जाएंगे तो थोड़ा, बट ये ठीक है, ये ठीक है, अच्छा दिख रहा है। मुझे कैसा लग रहा है, इसको ही बड़े बाल इस कैमरे में अच्छे दिखते हैं, है ना? यहाँ बड़े हैं बट आपको फ्लैट दिख रहा है, बुलंद है, थोड़ा टन दिया हुआ ना, रियलिटी में जस्टिस है। तो गाइस डन विद द हेयर कट एंड बहुत मजा आया, बहुत अच्छा भी किया है। तो सांगली का जाएगा तो भी बेस्ट करते हैं, बस थोड़ा लेट हो गया, आई मीन छोड़ो कुछ नहीं। तो गाइस क्या हाल चाल, तो मस्त हेयर कट हो गया, देखो बाहर दिख रहा है ना, कॉर्पोरेट आ जाएगा इधर ही बंद कर। तो एकदम प्यारा वाला हेयर कट हो गया, अभी मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि बैटरी 4% है, बस 4% है, 5% हो गई, तो अभी रखता हूँ मैं, घर जाके बताऊँ। तो गाइस उसके बाद है ना कुछ नहीं हुआ, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।